हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? वेलकम है मेरी नए वीडियोस में आपका, वो भी दिवाली का वीडियोस। तो मैं निकली हूँ आज मार्केट। तो आप सभी को पहले ढेर सारी हैप्पी दिवाली, सभी को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे और जो ऑन सब्सक्राइबर जो न्यू देख रहे हैं उनको भी हैप्पी दिवाली। तो बने रहे हमारे वीडियोस में। तो ये मेरी सिंपल वीडियोस है, तो बहुत ही सिंपल वीडियो ही मेरी रहती है। तो देखिए मैं निकली मार्केट, तो कितना सुंदर मार्केट लग रहा था मुझे कि मैं रह ही नहीं पाई कि वीडियो ना शूट करूं। तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है, बस छोटी सी जगह से मैंने लक्ष्मी गणेश छोटे से लिए हैं और पूजा के लिए सामान लिया है, वस्त्र लिया है जो मैं सूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने मार्केट को सूट किया है। तो जो भी लखनऊ से हैं वह ज़रूर देखिए। देखिए रंगोली के कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं भी थोड़ी सी लाई हूँ, लेकिन नहीं, देखिए मालाएँ बहुत ही ज़्यादा मिल रही थी। ये रही मूर्तियाँ। और फिर मार्केट निकली तो मैं बहुत कुछ दिखाया आप लोग को। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ की, बस भीड़ बहुत थी जिसकी वजह से सूट नहीं कट मिल रहा था सब कुछ, लेकिन जितना हो सका मैं प्रोसीजर आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिएगा, और जो भी लखनऊ से हैं वो बताइएगा ये किस जगह की है। तो जो भी लखनऊ में उनको पता है, और मेरी शुरू हो गई है मैं पूजा, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी पूजा को। और मैंने गणेश जी को देखे वस्त्र भी पहना दिए हैं। तो मेरे गणेश जी कैसे लग रहे हैं आप लोग को बताइएगा ज़रूर। तो ये है मेरी लक्ष्मी माता जी, इनको मैं वस्त्र पहना रही हूँ, इसमें कुछ लगा हुआ था तो मैं इनको साफ कर रही थी, और साफ करने के बाद मैं इनको वस्त्र पहना रही हूँ। अभी देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, ये मैं छोटी सी लाई थी मूर्ति, देखिए कितनी प्यारी लग रही है लक्ष्मी माता और हमारे गणेश भगवान जी। तो दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अपने प्यारे वस्त्र में, छोटी छोटे से। तो अभी मैं उनको चुन्नी उड़ा रही हूँ, देखिए छोटी सी चुन्नी कितनी प्यारी लग रही है। देखो कितने प्यारे प्यारे मेरे लक्ष्मी गणेश, वाओ बहुत ही अच्छी। तो बाहर का बैकग्राउंड है मेरा ये, जिसका वीडियो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अभी जलाऊंगी दीपक, धूप बत्ती के कारण मतलब मूर्ति दिख नहीं रही थी, इतना ज़्यादा मतलब धुआं हो गया था। और दीपक देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। मेरा चूल्हा कैसा लग रहा है देखिएगा, मैंने खुद से बनाया है। मैं सिंपल से प्लेन चूड़ी लाई थी नवरात्रि में, और घर में जो भी कड़े रखे थे तो मैंने करवा चौथ के लिए कैरी की थी, तो वही उठा के चूड़ा मैंने आज फिर से पहन लिया दिवाली के दिन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और आप देखते हो कि मेरी सिंपल ही वीडियो आती है, क्योंकि मैं भी बहुत सिंपल हूँ और मेरी चीज़ें जो भी हैं बहुत सिंपल है। मेरा छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर ऐसी जगह पर है कि जहाँ हम वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर, ज़्यादा मैं नहीं यहाँ पे घूम नहीं पाती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिर्फ बैठने भर का स्पेस ही है यहाँ पे। तो कोशिश रहेगी कि मैं किसी दूसरी जगह अपना मंदिर को शिफ्ट करूँ ताकि बैठने में अच्छा लगे, और पूजा भी तभी छोटी सी जगह में मैं मैनेज कर लेती हूँ किसी तरह से। पूजा मैं शुरू करती हूँ, आप लोग देखेंगे आरती हो रही है। माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, तो मैंने उनको भोग भी लगा दिया है देखिए, और आरती भी दे दिया है माता रानी को। मेरा संघ आप लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है संघ बजाना। और देखिए मेरा ऊपर दीपक कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। तो
तो मैं फूल रखना भूल गई थी, तो मैं दोबारा से फूल रख रही, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में भी ज़्यादा अच्छे से नई विधि विधान से आता है करना, वो भी मैं अकेली रहती हूँ। आप लोग को सभी को पता है, मेरे सब्सक्राइबर को पता ही रहता है कि मैं अकेली ही होती हूँ, मेरे बच्चे मेरे वीडियो शूट करते हैं जैसे भी कर पाते, क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो नहीं ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, लेकिन कैमरा पकड़ के वो बस बनाना शुरू कर देते हैं, जो भी मुझे अच्छी पोज लगते हैं उठा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अकेली ही इस समय पूजा कर रही हूँ, हस्बैंड भी है नहीं मेरे साथ। आपने देखा पिछले वीडियो में, मेरी करवा चौथ की वीडियो में हस्बैंड नहीं थे, तभी मैंने वीडियो आपको शूट करके दिखाया, अकेले मैंने पूजा की। आज लक्ष्मी गणेश का भी पूजा मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया है मेरा, तो मेरी माता रानी आप लोगों को कैसे लग रही है जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो जरा से भी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, प्लीज़ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू वीडियो देख रहे हैं मेरे, और मैं कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से तैयार हुई थी दिवाली के लिए, लेकिन बेटी बच्चे सूट भी नहीं कर पाए। तो पूजा भी लगभग मेरी हो चुकी है, बाहर की साइड तो ये हमारा बाहर का डेकोरेशन है, मैं दीपक सारे लग रही है, बेटू और दीपक रख रहा है, और ये देखो ये बाहर का है।